हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू ऑल आर वेल एंड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मस्ट बी गोइंग वेल आल्सो। सो इन दिस वीडियो वी विल गोना डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक दैट इज लाइकोपोडियम। तो इससे पहले टेरिडोफाइट्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आप टेरिडोफाइट्स के प्लेलिस्ट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप ज़रूर उसको विजिट करिए। बहुत सारी बेनिफिशियल वीडियोज़ आपको मिलेंगी जो आपके पेपर को हलवा क्लियर बनाने में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। तो एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी वीडियोज़ मिलती हैं, बहुत ईजी मैनर में मिलती हैं, जो आपके पेपर को अगेन आई एम सेइंग कि हलवा क्लियर करेंगी, ओके। तो जितना सिलेबस में है लाइकोपोडियम का वो सब कुछ मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलिए लाइकोपोडियम पढ़ते हैं। लाइकोपोडियम में आपको पहले तो इनके नामकरण देखने हैं भैया, इनको बहुत सारे नाम मिले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये ग्राउंड पाइन भी कहलाते हैं, ठीक है। फिर ट्रेलिंग एवरग्रीन कहलाते हैं, ओवरग्रीन नहीं, ठीक है, एवरग्रीन कहलाते हैं। फिर क्लब मॉस कहलाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज क्रीपिंग सिटार्स, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ये आपसे एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। ये आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं कि भाई ग्राउंड पाइन किसका कॉमन, किसको बोलते हैं, तो लाइकोपोडियम इज़ द आंसर। ट्रेलिंग एवरग्रीन का क्या मतलब हुआ, ट्रेलिंग एवरग्रीन मतलब ना कि किसी के पीछे पीछे ऐसे घिसकते हुए चले जाना, मतलब हमें कोई प्लांट दिखा, ठीक है, मान लो कि एक ये अनदर प्लांट है, ठीक है, दिस वन इज अ अनदर प्लांट, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि जो लाइकोपोडियम है हमारा वो ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है, ऐसे मान लो कि ये लाइकोपोडियम ऐसे चिपका हुआ है, ठीक। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे ये प्लांट आगे की तरफ मतलब बड़ा होगा, ग्रोथ होगी उसकी, वैसे ये लाइकोपोडियम में ना इसको इससे सहारा लेते लेते दूसरे तक, तीसरे तक, ऐसे ऐसे करते करते ये पूरा फैल जाएगा और एक एवरग्रीन बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेगा। तो ऐसे घिसकते घिसकते अपनी पूरी की पूरी एक एरिया कवर कर लेगा, इसीलिए इसको ट्रेलिंग एवरग्रीन बोलते हैं। क्लब मॉस मतलब कि मान लो कि क्लब मतलब क्या होता है, 10-15 लोग आए, दे आर लाइक एंजॉइंग एंड क्राउड जैसा महसूस हो, तो उसको हम लोग क्लबिंग बोलते हैं, है ना। तो ये भी जो होते हैं वो क्लब की तरह फॉर्म हो जाते हैं, मतलब बहुत ही बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ लाइकोपोडियम ही है, ठीक है। क्रीपिंग सिटार्स क्यों, क्योंकि भाई ऐसे घिसकते घिसकते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये रेंग ही तो रहे ना, रेंगते रेंगते पीछा करते करते ऐसे पूरा अपना एरिया ही कवर कर ले रहे हैं, तो दे आर लाइक ऑल्सो नोन एज की क्रीपिंग सिटार्स, ठीक है। ग्राउंड पाइन क्यों, क्योंकि ग्राउंड पर है, पूरा ग्राउंड ही अपने नाम कर लेते हैं, ठीक है। ये है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है भाई, देखो एक तो सिंपल सा आपको बीच में ब्रांच दिखेगा एंड आपको ये लीफ दिखाई देंगी, ठीक है, दीज आर द लीफ। और ये जो लीफ हैं वो आपको कैसी दिखाई दे रही हैं, ये आपको लीफ दिखाई दे रही हैं फैदर्स की तरह, ठीक है। एंड इसी फैदर्स के अपियरेंस की वजह से ये किस में रखे गए हैं, टेरिडोफाइट्स के, ठीक है, टेरिडोफाइट्स के अंदर रखे गए हैं, बिकॉज दे हैव अ फैदर लाइक अपियरेंस ऑफ लीफ, ठीक है। ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम है। अब देखो सिस्टमैटिक पोजिशन की बात करें तो सब डिविजन इनका लाइकोप्सिडा है, ठीक है, ऑर्डर लाइकोपोडियल्स है एंड फैमिली लाइकोपोडेसी है। तो आपको मैंने बहुत पहले से ये बताते हुए मैं आ रही हूँ कि जब भी आपको जेनरा याद हो और ऑर्डर एंड फैमिली में कन्फ्यूजन हो तो 98-97% ऐसा होता है कि अगर आप उस जेनरा में एस लगा दो तो वो ऑर्डर बन जाता है, एंड अगर उस जेनरा में आप ए सी लगा दो तो वो आपकी फैमिली बन जाती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो ये थोड़ा स्मार्ट मूव होता है, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम अगर बात करें तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि जो लाइकोपोडियम है वो कॉमनली नन एज क्लब मॉस, ग्राउंड पाइन एंड ट्रेलिंग एवरग्रीन, ओके। उसके बाद जो लाइकोपोडियम है वो रिप्रेजेंटेड होता है 400 स्पीसीज से। वर्ल्ड वाइड में बात करें तो 400 स्पीसीज आपको दिखाई देती है लाइकोपोडियम की, मतलब दे आर लाइक कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पाए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में दिखाई देगा, और कुछ स्पीसीज आपको आर्टिक एंड एल्पाइन रीजन में भी दिखाई देंगी, ठीक है। ये कहाँ ग्रो करते हैं, ये ऐसी जगह ग्रो करेंगे ना जहाँ पर थोड़ा सा नमी होगी, थोड़ी छाया होगी, वहाँ पर ये क्या होंगे, ग्रो करेंगे। और आपको पता है इनको चाहिए क्या, इनको प्रॉपर ह्यूमस चाहिए, प्रॉपर खाद चाहिए, और प्रॉपर इनको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, जिसमें आपको फॉस्फेट देखते हो, नाइट्रोजन देखते हो, ये सब न्यूट्रिएंट इनको चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये सैडी एंड मॉइस्ट प्लेस की तरफ आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। और अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो आउट ऑफ 400 हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड में से जो 33 स्पीसीज हैं वो हमारे इंडिया में है, ठीक है। 33 स्पीसीज जो हैं वो इंडिया में हैं। कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा ये ईस्टर्न हिमालयात या फिर साउथर्न जो इंडियन हिल्स हैं वहाँ पर पाई जाएंगी। सम ऑफ द इंडियन कॉमन स्पीसीज आर, देखो अब मैंने 33 स्पीसीज इंडियन की बात की कि इंडियन स्पीसीज लाइकोपोडियम की जो स्पीसीज हैं वो इंडिया में 33 हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ कॉमन हैं जैसे कि जो हैं
लाइकोपोडियम हैमिल्टोनी इज द कॉमन वन, लाइकोपोडियम फ्लाइथम, ठीक है, फिर लाइकोपोडियम क्लेवेटम इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, सेरेनम, उसके बाद कैम्पलेंटम, फ्लिगमेरिया, स्क्वेरसम, सेरेटम, विगटेनम, दीज आर द कॉमन इंडियन स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम, ठीक है, ये आपको कॉमनली दिख जाता है, जिसमें से लाइकोपोडियम क्लेवेटम इज द मोस्ट कॉमन, ओके। उसके बाद देखो, जो लाइकोपोडियम होता है वो काफ़ी तरीके के हो सकते हैं, दे आर लाइक एपीफिटिक, मतलब कि ये दूसरे प्लांट्स पर भी जा करके ग्रो कर सकते हैं, दे नीड अ होस्ट, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लाइकोपोडियम फ्लिगमेरिया, ये ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये ऐसे दिखाई देते हैं। फिर इरेक्ट एंड श्रबी हो सकते हैं, इरेक्ट मतलब एकदम खड़ा, ठीक है, सीधा, और श्रबी मतलब कि थोड़ा श्रब लाइक दिखेगा, मीडियम साइज का दिखेगा, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, नॉर्मली मीडियम साइज का दिखेगा, जैसे कि हमारे प्यारे से लाइकोपोडियम क्लेवेटम जो मैंने सबसे पहला फिगर दिखाया था ना वो, ठीक है। उसके बाद क्रीपिंग फॉर्म में रेंगते हुए के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लाइक लाइकोपोडियम सेरेनम। फिर ये इरेक्ट ब्रांचेस विथ हाईली ब्रांच्ड एंड बुशी भी हो सकते हैं, मतलब कि ये एकदम सीधे और बहुत सारे ब्रांच और बहुत ऐसे घने घने टाइप में भी दिखाई दे सकते हैं। ये कुछ बात थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। स्पोरोफाइट की बात करें, स्पोरोफाइट मतलब क्या भाई, प्लांट बॉडी, ठीक है, क्या प्लांट बॉडी, तो प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब क्या होता है, मैं जनरली बोलती हूँ कि ये प्लांट बॉडी है। देखो भाई, स्पोरोफाइट कुछ होता नहीं, स्पोरोफाइट मतलब ये कि जब मेल एंड फीमेल दोनों से हैप्लॉइड सेल, ठीक है, एक एक हैप्लॉइड सेल आए एंड दे गेट फ्यूज्ड, ठीक है, और उनके फ्यूजन की वजह से जो हमारा जाइगोट बनेगा, ठीक है, जो कि कैसा होगा, डाइप्लॉइड होगा, 2n होगा, ठीक है। तो ये जो डाइप्लॉइड है, जब ये किसी प्लांट को ऐसे ग्रो करता है ना, ये प्लांट को प्रोड्यूस करता है, तो हम बोलते हैं कि हमारा ये प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। समझ में आया? सबसे पहले तो भाई मेल एंड फीमेल के हैप्लॉइड सेल से एक पूरा का पूरा प्लांट बन जा रहा है, तो हम उसे बोलते हैं कि दिस प्लांट इज द स्पोरोफिटिक, ठीक है। तो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, और ये रूट, स्टेम एंड लीफ में क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है। आपको रूट, स्टेम एंड लीफ इसमें दिखाई दे देंगी। कंसिडरिंग द वेरिएशन एंड हैबिट इन द डिफरेंट स्पीसीज, प्रिटजल, ठीक है, प्रिटजल जो थे उन्होंने जीनस लाइकोपोडियम को 2 जेनरा में क्या किया था, डिवाइड कर दिया था जीनस में, जिसका नाम है यूरोस्टैकिया एंड रोपेलोस्टैकिया, ठीक है। तो यूरोस्टैकिया में क्या होता है कि जितने भी स्टेम होंगे इन प्लांट्स में, वो इरेक्ट या फिर पेंडेंट टाइप के होंगे, जैसे कि आपने फ्लिगमेरिया में देखा था, वो थोड़ा सा पेंडेंट टाइप में था, ठीक है। फिर स्टेम जो होगी वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगी, जो रूट होगा वो हमारे बेस से अराइज होगा, कहाँ के बेस से, स्टेम के बेस से हमारा रूट इसमें अराइज होगा। फिर उसके बाद यूरोस्टैकिया में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बल्बिल्स के द्वारा होता है, और इनके एग्जांपल्स हैं आपके लाइकोपोडियम कम्पैक्टम, लाइकोपोडियम सिलैगो, लाइकोपोडियम फ्लिगमेरिया, ठीक है। रोफेलोस्टैकिया की बात करें, कंट्रास्ट हम देखते हैं कि ये प्रोस्ट्रेट स्टेम दिखाते हैं और अपराइट ब्रांच इसमें होता है, और डाइकोटमी पहले तो फर्स्ट ये ऐसे ब्रांचिंग ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, बहुत ऐसे डाइकोटोमसली दिखाते हैं, बट फिर बाद में ऐसे एकदम मोनोपोडियल हो जाते हैं, ठीक है, एकदम सीधा हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, ओके, सो उसके बाद क्या होता है, देखो, एडवेंटिशियस जो रूट होती है वो अलोंग द एंटायर लेंथ, अब इनकी जो रूट होती है ना, वो जितनी बड़ी स्टेम होगी वो हर जगह से रूट स्टेम में निकली होगी, यहाँ पर बस बेस से निकल रही थी, ठीक है, बस बेस से, स्टेम के बेस से निकल रही थी, लेकिन रोफेलोस्टेकिया में जो स्टेम होता, जो आपका रूट होता है वो स्टेम के हर एक पार्ट से आपको दिखाई देती है, जितनी बड़ी स्टेम वहाँ वहाँ से वो रूट निकलता रहेगा। तो स्पोरोफिल होती हैं वो फॉलियस लीफ से क्या होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है, ये आप पता लगा सकते हो। स्पोरोफिल अरेंज्ड होते हैं कोन में या फिर स्ट्रॉबेलाई में। रोफेलोस्टेकिया के एग्जाम्पल हैं लाइकोपोडियम सेरेनम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम डेंसम, ठीक है। अब देखो रूट की, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में रूट की बात करें, तो फर्स्ट फॉर्म रूट जो होता है वो इफीमरल होता है, मतलब कि ये बहुत कम टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बना होता है। जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं उसमें हम एडवेंटिशियस रूट देखते हैं, और वो कहाँ से अराइज होते हैं, पेरिसाइकल या इंडोडर्मिस से ये अराइज होते हैं। स्टेम की बात करें तो ये वीक होते हैं, अब ये देखो ये पेरिसाइकल एंड इंडोडर्मिस जो बोल रहा है ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं, तो मैंने बताया था कि स्टेम के, स्टेम से ही तो ये अराइज होते हैं ना, यूरोस्टैकिया में आपके बेस से होंगे और रेफेलोस्टेकिया में आपके पूरे लेंथ से होंगे, तो वहाँ से पेरिसाइकल एंड इंडोडर्मिस, समझ रहे हो। फिर स्टेम की बात करें तो ये थोड़ी वीक होती हैं, नॉर्मल आपको सॉफ्ट दिखाई देंगी, स्लेंडर होती हैं एंड राइजोमैटर्स होती हैं, इरेक्ट या पेंडेंट होंगी, क्रीपिंग हो सकती हैं,
branched and basically dichotomous, sometimes monopodial, stem and branch covered with leaf. तो इसमें हर तरफ देख रहे हो, ये स्टेम है ना, ये स्टेम है, पूरी स्टेम आप देख रहे हो कि लीफ से कवर है, पूरी स्टेम लीफ से कवर है, कहीं भी लीफ स्टेम अकेला नहीं है, चारों तरफ से कवर है, ठीक है। लीफ की बात करें, दे आर वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं, सेसाइल होते हैं, स्केल लाइक होते हैं और स्मॉल होते हैं, और मीडियम वीन इनमें माइक्रोफिल, मतलब जो स्मॉल होते हैं उन्हें माइक्रोफिल्स कहते हैं, जो लार्ज होते हैं वो मेगाफिल्स होते हैं, ठीक है। फिर स्पाइरली अरेंज्ड भी हो सकते हैं हमारे क्या कहते हैं पूरे प्लांट्स पे, डेंस में भी हो सकते हैं और डेसिकेट भी हो सकते हैं और होल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, आइसोफिलस लीफ होता है, एनआइसोफिलस लीफ होता है। आइसोफिलस में क्या होता है कि जितनी भी लीफ होंगी हमारे प्लांट बॉडी पे वो सभी की सभी एक समान दिखाई देंगी, सेम होंगी, लेकिन एनआइसोफिलस में होगा कि सभी के सभी लीफ जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। जैसे कि लाइकोपोडियम वॉल्यूबल में चार टाइप की लीफ दिखाई देंगी, ठीक है, कैसी कैसी, दो तो भाई एकदम बड़ी दिखाई देंगी, एक जो होगी वो वेंट्रल में होगी और वो हेयर लाइक दिखाई देगी, एक जो होगी वो डॉर्सल में होगी और वो मीडियम साइज की एसिक्यूलर लीफ होगी, मतलब कि दो हमें लेटरल में दिखाई दे रही है, एक वेंट्रल में एक डॉर्सल में, लेटरल वाली बड़ी दिखाई देगी, वेंट्रल वाली हेयर लाइक दिखाई देगी और डॉर्सल वाली आपको मीडियम साइज की दिखाई देगी। तो एक ही प्लांट पे आपको इतने सारे टाइप के लीफ दिखाई दे रहे हैं, तो उन टाइप को हम लोग बोलते हैं एनाइसोफिलस प्लांट, ठीक है, जिसमें कि आपको एक से ज्यादा टाइप के लीफ के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर सभी के सभी लीफ सेम होते हैं, ऑल आर लाइक सेम, ऑल आर हैव सेम स्ट्रक्चर्स एंड मॉर्फोलॉजी, तो हम उन्हें आइसोफिलस कहते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने एक्सटर्नली बात किया, अब हम एनाटॉमी की बात करेंगे। तो अगर क्रॉस सेक्शन हम देखते हैं थ्री डिस्टिंक्ट रीजन का, तो हमें ये दिखाई देता है, देखो सबसे पहले हम एनाटॉमी ऑफ रूट पढ़ेंगे, फिर स्टेम, फिर लीफ, ठीक है। तो सबसे पहले रूट पढ़ो, तो रूट को जब हम देखते हैं, जब हम काटते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस की, ठीक है, फिर हमें कॉर्टेक्स दिखाई देता है, फिर हमें स्टील दिखाई देता है, ठीक है, कैसा स्टील दिखाई देता है, यही पेज है आपके रूट के लिए। तो रूट में आप ये देखते हो कि जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, वो सिंगल लेयर्ड होती है, वो थिन वॉल्ड सेल से बनी होती है और समटाइम यूनिसेलुलर हेयर्स भी उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, ठीक है। ओल्डर रूट हैव थिक वॉल्ड सेल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, जब प्लांट ऐसे न्यूली बना होता है ना, तो जो उसमें कॉर्टेक्स होता है वो उतना ज़्यादा थिक नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है वैसे ही वैसे उनमें जो कॉर्टेक्स होते हैं वो थिक होते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं, क्यों, क्योंकि अब उनको मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तक रहना है और ऊपर की तरफ भी ग्रोथ होती जा रही है हमारे स्टेम की, तो रूट पे भार पड़ेगा, तो उस मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या करता है, थिक होता जाता है। स्टील की बात करें तो लाइकोपोडियम में जो स्टील है वो प्रोटो स्टील पाया जाता है, प्रोटो स्टील हमने पढ़ा है कि जो हमारा जाइलम होगा वो फ्लोएम के द्वारा क्या होगा, कवर्ड होगा, ठीक है। फिर देखो जो जाइलम है वो फ्लोएम के द्वारा कवर्ड है, जाइलम इस कर्व्ड नहीं कर्व ओके जाइलम जो इसमें होगा वो कर्व्ड होगा, फ्लोएम जो होगा वो लाइज इन बिटवीन दी आर्म्स ऑफ जाइलम। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, मैंने स्टीलर सिस्टम में आपको पढ़ाया था कि जब जाइलम आर्म निकाले और फ्लोएम उसको कवर करे, तो उस टाइप के प्रोटो स्टील को हम लोग क्या बोलते थे, एक्टिनो स्टील बोलते थे, क्या मैं सही हूँ, तो एक्टिनो स्टील इसमें पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एनाटॉमी ऑफ स्टेम की बात करें, तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि जब आप रूट का क्रॉस सेक्शन काटोगे तो आपको तीन चीजें दिखाई देंगी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। एनाटॉमी ऑफ स्टेम अगर हम देखेंगे तो इसमें भी थ्री जोन हमें दिखाई देती हैं, अगेन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड दे हैव ऑल्सो इंडोडर्मिस एंड स्टील इज प्रोटो स्टील, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे स्टेम में, ये प्रोटेक्ट की हुई होती है और ये थिक होती है हमारे आउटर वॉल विथ क्यूटिकल, इसमें क्यूटिकल भी होगा और एपिडर्मिस, जैसे पहले होगा क्यूटिकल, उसके बाद जो लेयर आएगी वो होगी आपकी एपिडर्मिस की, ठीक है। फिर आपका आएगा, फिर देखो फिर ये आएगा आपका, इतना मान लो ये कॉर्टेक्स आया, ठीक है, फिर इंडोडर्मिस, ठीक है, फिर इंडोडर्मिस, उसके बाद फिर ऐसे स्टील एंड ऑल सब कुछ आता है, क्योंकि कॉर्टेक्स के बाद पहले देखो ये रहा कॉर्टेक्स है ना, ये पूरा का पूरा ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ठीक। फिर कॉर्टेक्स के बाद आप देखते हो कि इंडोडर्मिस आता है, ठीक है, ये है आपका इंडोडर्मिस, ठीक, ये इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के अंदर आप देखते हो कि आपको कैसा दिखाई देगा, आपको प्रोटो स्टील दिखाई देगा, समझ रहे हो, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो इंडोडर्मिस जो है, जो आपकी फर्स्ट लेयर है वो थोड़ी प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। कॉर्टेक्स जो होता है उसका नेचर वेरीज करता है स्पीसीज से स्पीसीज, ठीक है, और उसका डायमीटर भी वेरीज करेगा।
फिर देखो कॉर्टेक्स जो होता है वो पैरेन्काइमेटस होता है। अगर अगर पूरा पैरेन्काइमेटस है तो उसको हम होमोजीनियस कॉर्टेक्स बोलेंगे। अगर वो कॉर्टेक्स तीन रीजन में बटा हुआ है, जिसमें आप देखोगे कि आउटर जो है वो क्लोरेन्काइमेटस है, मिडिल जो है वो पैरेन्काइमेटस है, और इनर जो है वो स्क्लेरेन्काइमेटस है, अगर ऐसा कॉर्टेक्स दिखाई देगा तो वो होगा हेट्रोजीनियस कॉर्टेक्स। ठीक है, मतलब कि अगर एक ही तरह की सेल से बना होगा, अगर एक ही पैरेन्काइमेटस सेल से, मतलब बस पैरेन्काइमेटस सेल से कॉर्टेक्स बना है, तो हम उसे होमोजीनियस कॉर्टेक्स बोलेंगे। लेकिन अगर वही कॉर्टेक्स में तीन लेयर, तीन सेल्स पाई जाएंगी, तीन तरह की, एक पैरेन्काइमेटस, एक क्लोरेन्काइमेटस, एक स्क्लेरेन्काइमेटस, तो हम उसे हेट्रोजीनियस कॉर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, फिर एंडोडर्मिस जो है वो डिस्टिंक्ट होता है हमारे यंग लीफ में, और स्टील मैंने बताया प्रोटोस्टील, जहाँ पर जो जाइलम होता है वो फ्लोएम से कवर होता है। स्टील की बात करें तो इनमें हैज ओनली प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। स्टील इज अ प्रोटोस्टील, देयर इज नो पिथ इन द सेंटर। तो हमने पढ़ा स्टील सिस्टम में कि प्रोटोस्टील में पिथ नहीं होता है। जाइलम जो होता है वो फॉर्म द सेंट्रल कोर सराउंडेड बाय द फ्लोएम। जाइलम इज एक्सार्क। थ्री टाइप ऑफ प्रोटोस्टील में पाया जाता है, एक्टिनो स्टील, जिसमें आपको मैंने बताया था कि स्टार शेप के आर्म होते हैं, उसको फ्लोएम कवर किया होता है। प्लिक्टो स्टील, इसमें हो सकते हैं कि प्लिक्टो स्टील हो, जिसमें जाइलम जो होते हैं वो प्लेट की तरह हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टील किसमें पाए जाएंगे? प्लिक्टो स्टील आपको लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पाया जाएगा, एक्टिनो स्टील आपके लाइकोपोडियम सेरेटम में पाया जाएगा। मिक्स्ड प्रोटो स्टील में क्या होता है कि जाइलम जो वो पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये लाइकोपोडियम सेरेनम में आपको ऐसा दिखाई देगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी लीफ की। ठीक है, तो लीफ इज अ ट्रायंगुलर इन आउटलाइन। अगर आप काटोगे तो लीफ ट्रायंगुलर आपको दिखाई देगा। फिर आउटर एपिडर्मिस जो होता है वो कवर्ड होता है हमारे थिक क्यूटिकल से। ठीक है, आउटर एपिडर्मिस हमारा थिक क्यूटिकल से कवर होगा। अगेन वही कि पहले क्यूटिकल है फिर आपके एपिडर्मिस है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस, बोथ सर्फेस स्टोमेटा दोनों ही सर्फेस पे प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इसे एम्फी स्टोमेटस कहते हैं। इन लाइकोपोडियम कैम्पलेंटम एंड लाइकोपोडियम वॉल्यूबल स्टेम स्टोमेटा आर हाइपोस्टेम and confined to lower surface, कोई मतलब नहीं है। मेसोफिल इज अंडर डिफरेंशिएटेड मेड अप ऑफ क्लोरोफिल सेल, अमीडियन कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स विद जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। दैट मींस की प्रोटोस्टील यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही आपका पूरा का पूरा एनाटॉमी था। अब रिप्रोडक्शन इन, अगर टाइडोफाइटा की बात करें, ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं क्या करूँ, बट दो चार वीडियो बनाने से अच्छा मैं एक ही में पढ़ा दूंगी, है ना। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो इसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होते हैं स्पोर से रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय गैमे एंड बुलबुल्स की वजह से होगा, फ्रेगमेंटेशन की वजह से हो सकता है, या फिर रेस्टिंग बर्ड के फॉर्मेशन की वजह से, या फिर रूट ट्यूबरसिस की वजह से, या फिर एडवेंटिशियस बर्ड्स की वजह से। और स्पोर में हम होमोस्पोरस कंडीशन से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो होता है, अगर उसकी बात करें तो फ्रेगमेंटेशन में हम देखते हैं कि जो डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ द स्टेम लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ यंगर ब्रांचेस विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो जब भी मान लो कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम का एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि ये रहा आपका लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ठीक है, अब ये जो लाइकोपोडियम के ये दो पार्ट है, तो ऐसा हुआ कि ये जो लाइकोपोडियम का इधर वाला पार्ट है ना, ये डेड मतलब पूरा ना खत्म हो गया, डेड एंड डीके मतलब मर भी गया और सड़ भी गया। ठीक है, तो ये वाला तो पार्ट बचा हुआ है ना, तो ये टूट करके मान लो गिर गया, ये रह ही गया, तो यही एक न्यू प्लांट को अब ग्रोथ कर देगा, ये न्यू प्लांट में बदल जाएगा। और इधर जो मरे सड़े गले हैं वो इनको क्या प्रोवाइड कर देंगे? वो ह्यूमस प्रोवाइड कर देंगे, समझ लो। तो फ्रेगमेंटेशन से ऐसे इनका रिप्रोडक्शन होता है। फिर अगर रेस्टिंग बर्ड की बात करें तो इसमें रेस्टिंग बर्ड्स का फॉर्मेशन भी होता है, जिसमें आपको टिप्स ऑफ एपिकल बर्ड जो होते हैं, मतलब कि राइजोम हुआ, ठीक है, राइजोम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हुआ, या फिर ब्रांचेस के सबसे ऊपर वाले पार्ट हुए, ठीक है, रूट का ऊपर वाला पार्ट या ब्रांच का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इन दोनों ही पार्ट पर फूड मटेरियल स्टोर होता है, और यही फूड मटेरियल ऐसे सराउंड होता है एक बंच ऑफ लीव से। तो इन विंटर सीजन में जब रेस्ट ऑफ द प्लांट डाइज, जब सभी के सभी प्लांट मर जाते हैं, तो ये वाला जो पार्ट बचा होता है, जिसमें क्या होता है कि जो आपका स्टोर्ड फूड है, ऐसे स्टोर्ड फूड है, वो लीव से क्या है, कवर है, वो ऐसे लीव से कवर है। तो यही क्या करते हैं, जब सभी के सभी पार्ट मर जाते हैं, तो ये जो बर्ड होता है रेस्टिंग बर्ड, ये न्यू प्लांट आपका बना लेता है। तो ये भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। फिर फॉर्मेशन ऑफ रूट ट्यूबरकल, तो ग्रुप ऑफ सेल विथ स्टोर्ड फूड मटेरियल एंड प्रोटेक्टेड बाई थिक वॉल जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट। तो वही बात है कि रूट से अगर हुआ तो वो ये रूट ट्यूबर सेल को बोल दे रहा है कि अगेन स्टोर फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को इसको स्टोर करके रखा है और उसको सराउंड किया हुआ है, और जब सभी प्लांट डेड एंड डाइज हो जा रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहे हैं,
कि नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है ये वाला जो आपने स्टोर्ड फूड मटेरियल को घेर के रखा हुआ है, ठीक है। फिर एडवेंटिशियस बड की वजह से, तो लीफ जो होती हैं वो एपिडर्मल सेल्फ प्रोलीफरेट नियर द बेसिस एंड ग्रो इनटू द बड, दिस बर्ड आर कैपेबल ऑफ जर्मिनेटिंग इनटू न्यू प्लांट। तो आप ये समझ सकते हो कि जो आपके बर्ड इसमें छोटे छोटे पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी इसमें पाई जाती हैं, बर्ड्स भी छोटे छोटे पाए जाते हैं, तो ये जो बर्ड होते हैं ये भी क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वॉट, दिस इज ऑल अबाउट दी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया है, नाउ वी विल गोना सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एक जो आपका स्ट्रॉबिलस होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पर हमने बात की है बाई स्पोर्स, ठीक है, और ये स्पोर्स आपको स्ट्रॉबिलस से ही मिलेंगे, ठीक है, ये स्पोर आपको स्ट्रॉबिलस से ही मिलेंगे। तो स्ट्रॉबिलस इज नन अदर देन हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है लाइकोपोडियम का, ठीक है। अब देखो यूरोस्टैकिया में क्या होता है कि जितने भी लीफ होते हैं दे ऑल आर स्पोरोफिल। तो मैंने बताया था कि यूरोस्टैकिया जो है उसमें जितने भी लीफ होंगे, जितने भी प्लांट्स पे लीफ होंगे, लाइक एग्जांपल लाइकोपोडियम फ्लिगमेरिया, फ्लिगमेरिया पे जितने भी लीफ होंगे वो सभी के सभी स्पोरोफिल कहलाएंगे। क्यों वो लीफ स्पोरोफिल कहलाएंगे, क्योंकि दे बियर स्पोरेंजिया, ठीक है, दे बियर स्पोरेंजिया। एंड वहीं अगर हम कंट्रास्ट अगर हम रेफलोस्टैकिया की बात करें तो जो लीफ होगा वो जो लीफ हमारे एकदम नियर एकदम एपेक्स पे होंगे, ठीक है, ऊपर के साइड पर होंगे, जैसे ये मान लो लाइकोपोडियम है तो जो एपेक्स होगा तो वहाँ पर जो लीफ होंगी दे आर दी व्हाट, आपको स्पोरोफिल वहाँ पर देखने को मिलेगा, दे आर नन एज स्पोरोफिल, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप समझ लेना। समटाइम जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं हमारे फॉलिएज लीफ से, ठीक है। एग्रीगेशन जो होता है स्पोरोफिल का इट इज़ नन एज स्ट्रॉबिलस। तो हमें ये पता चला कि जो लीफ स्पोरेंजिया बियर कर रही हैं उन्हें हम स्पोरोफिल कहेंगे, और स्पोरोफिल अगर पूरा एक एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा हो जाए एक जगह तो हम उसे स्ट्रॉबिलस कहेंगे, ठीक है। स्ट्रॉबिलस हैज़ अ सेंट्रल एक्सिस, स्ट्रॉबिलस के पास एक सेंट्रल एक्सिस होती है जिसके स्पाइरली अरेंज होता है हमारा स्पोरोफिल। लाइक अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले ये देखो, दिस इज़ स्ट्रॉबिलस, 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 ये भी स्ट्रॉबिलस, स्ट्रॉबिलस यहाँ पर भी, ये ऊपर पे, ये भी स्ट्रॉबिलस, दिस इज़ ऑल्सो। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, ये सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है, देखो ये रहा आपका एक मेन एक्सिस, ठीक है, ये स्ट्रॉबिलस है, स्ट्रॉबिलस का मेन एक्सिस, ठीक है। ये रही आपकी लीफ जिसको आप स्पोरोफिल कह रहे हो, और उसने बियर किया हुआ है ये छोटा सा, ठीक है, दीज स्मॉल स्मॉल इसने स्पोरेंजियम ऐसे बियर किए हुए हैं, ठीक है, ये दिख रहा है, ये ऐसे बियर किए हुए हैं। अगर हम इसको काटते हैं तो हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है, देखो ये स्पोरोफिल का ऊपर वाला टिप एंड ये अंदर है स्पोरेंजियम, ठीक है, अगर आप अपर से देखते हो तो, ठीक है। तो ये आप स्ट्रॉबिलस समझ गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपनी स्पोर्स की बात करें तो लाइकोपोडियम के जो स्पोर होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, दे ऑल हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। तो होमोस्पोरस होते हैं, अकर इन टेट्रेट्स, ये टेट्रेट्स में पाए जाते हैं। जो टेट्राहेड्रल शेप होता है वो इनका राउंडेड हो सकता है या फिर सेमी सर्कुलर बेस उसमें हो सकते हैं। यूनिसेलुलर एंड रेंज इन साइज फ्रॉम 0.03 टू 0.05 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होंगे, ठीक है, और जो ये कितने बड़े हो सकते हैं तो 0.03 से लेकर के 0.05 तक मिलीमीटर तक ये बड़े भी हो सकते हैं। इनके पास ट्राई रेडिएट रिब्स होता है, टू लेयर ऑफ सेल वॉल होती हैं, स्पोर में भी स्मूथ, ये स्पोर स्मूथ भी हो सकती हैं या फिर वेरियसली स्कल्पचर्ड एंड हैव अ सिंगल न्यूक्लियस जो कि है हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी इनमें पाया जाता है। इनमें साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल कंटेन करता है, उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। अगर डेहिसेंस की बात करें, डेहिसेंस क्या होता है भाई कि फटना, ठीक है, एक तरीके से जो आप स्पोरेंजियम है जब वो फटेगा तो फिर उसमें से स्पोर्स बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो उसी को डाइसेंस कहते हैं। तो स्पोरेंजियम जब फटता है तो उसको डाइसेंस कहेंगे। तो अगर हम देखें तो इलोंगेशन होता है सबसे पहले स्ट्रॉबिलस के इंटरनोड पे, ठीक है,
फिर जो स्पोरोफिल होता है वो स्प्रेड आउट एक्सपोजिंग द स्पोरेंजिया। आप देख जान रहे हो कि स्पोरोफिल में से पहले स्पोरेंजिया निकलेगा, तब तो स्पोरेंजिया में से स्पोर निकलेगा। तो क्या होता है कि पहले स्ट्रोबिलस में इलोंगेशन होती है, खिंचाव होगा, ठीक है, थोड़ा सा वो बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो स्पोरोफिल होता है वो एक्सपोज कर देगा, उसमें आपको स्पोरेंजिया दिखने लगेंगे, ठीक है। फिर एक लाइन ऑफ सेल आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द स्पोरेंजियल वॉल कॉल्ड स्टोमियम। फिर एक लाइन बनेगी हमारे स्पोरेंजियम के वॉल पे जिसको हम स्टोमियम कहते हैं। जो इनर वॉल होगी हमारे स्टोमियम की वो थिक और लिग्निफाइड होगी। ये वाटर का लॉस कर देती है, स्पोरेंजिया जैसे ही वो लाइन बनती है सेपरेट होती है, वाटर लॉस कर देगी और तुरंत ड्राई हो जाएगी, ठीक है। स्प्लिट अपीयर, और फिर उसी स्टोमियम जैसी ये लाइन बनी है ना, ये लाइन बनी है तो अब ये इधर एक टुकड़ा हो जाएगा, एक इधर टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जब स्पोरेंजिया का ऐसे ये किधर टुकड़ा एक इधर टुकड़ा, तो फिर क्या होता है कि अब इसमें से आपको छोटे छोटे स्पोर्स ऐसे, मान लो ये टूटा, ठीक है, मान लो ये टूटा तो कैसे टूटा, इसको मैं बनाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। ये अगर टूटता है तो ये ऐसे कुछ टूटेगा, ठीक है, ये एक पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, और ये बीच में से ये टूटा हुआ है, ठीक। तो इसमें से अब आपको दिखाई देगा क्या, छोटे छोटे आपको यहाँ पर स्पोर्स दिखाई देंगे, ठीक है। और ये स्पोर्स जब आपकी हवा चलेगी, जब ऐसे हवा चलेगी तो ये स्पोर्स भी क्या होंगे, उन हवा के साथ ऐसे बह जाएंगे, तो एयर से इनका क्या हो जाएगा, डेसिमिनेट द एयर स्पोर्स, ठीक है। अब ये उड़ के चले गए, ठीक है, उड़ के चले गए कहीं पर, किसी जगह पर मॉइस्ट एरिया पे चले भी गए, सैडी जगह पर मॉइस्चर मिल गया, ह्यूमस मिल गया। अब क्या होगा, जर्मिनेशन होगा हमारे स्पोर का। तो जर्मिनेशन में क्या होगा भाई, कि द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट। अब जैसे ही वो जर्मिनेट करेगा तो गैमेटोफाइट बनाएगा। जो गैमेटोफाइट होता है उसको हम लोग प्रोथेलस कहते हैं। ये प्रोड्यूस करता है एंथेरिडिया और आर्किगोनिया, एक मेल एंड एक फीमेल। द एंथेरिडिया इज द मेल वन एंड द आर्किगोनिया इज द फीमेल वन। इट इज़ फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। इसमें कोई भी स्पोरोफाइट का कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोथेलाई की, ठीक है। प्रोथेलाई में देखो क्या होता है कि प्रोथेलाई आर मोनोशियस, ये मोनोशियस होते हैं। मेल एंथेरिडियम होता है और फीमेल आर्किगोनियम होता है, जो दोनों के ही दोनों सेम थैलस पे होते हैं। मैंने बताया था ना, हर्ट शेप का ऐसा बनता है प्रोथेलस, जिसमें बीड टाइप में ऐसे धसे हुए होते हैं आर्किगोनियम, जिनके पास एक नेक होता है, एक वेंटर होता है। जो नेक होता है वो अभी आगे बताती हूँ। देखो, एंथेरिडियम जो है वो यूजुअली सनकेन इन द प्रोथेलस पोजीशन विजिबल बाई अ स्मॉल बल्ज एंड हैज अ सिंगल लेयर जैकेट। इनके पास एक सिंगल लेयर जैकेट की एक लेयर होती है। एंड अपरक्यूलम सेल एज वाटर एंटर, अपरक्यूलम से वाटर एंटर करता है, जैकेट सेल रप्चर हो जाता है, उसमें से बाहर निकलता है बाई फ्लैजिलेट एंथ्रजॉइड। जो एंथ्रजॉइड कहाँ जाएगा, आर्किगोनिया के पास जाएगा। आर्किगोनिया कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है, इसमें एक बेसल वेंटर होता है, एक नेक होता है। जो नेक होता है वो 4 to 8 नेक कैनॉल सेल से बना होता है। वेंटर के पास वेंटर कैनॉल सेल होते हैं और एक एग सेल होता है। और इसी बाई फ्लैजिलेट एंथ्रजॉइड जो ये आएगा वो इसी एग सेल से मिलेगा, मतलब फर्टिलाइज करेगा, तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन आर्किगोनियम मैच्योर, जब आर्किगोनियम मैच्योर हो जाता है तो जो टिप होती है हमारे नेक सेल की वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। जो नेक सेल होता है और वेंटर कैनॉल सेल होता है वो डिसइंटीग्रेट, एक दूसरे से वो अलग हो जाते हैं। फिर अपना एक म्यूसिजिलेनस सब्सटेंस सिक्रीट करता है आर्किगोनियम, जो क्यों करता है, फॉर अट्रैक्ट दी एंथ्रेजॉइड, ठीक है, फॉर अट्रैक्ट दी एंथ्रेजॉइड। फिर एंथ्रेजॉइड एंटर करता है आर्किगोनियम में एंड फ्यूज करता है हमारे एग के साथ, जो कि ऊ स्पोर का फॉर्मेशन कर देता है। ऊ स्पोर अब 2N है, ठीक है। अभी तक जो एंथ्रेजॉइड था वो एन था, जो एग सेल थी वो भी एन थी, बट अब जब फ्यूज़न हो गया है तो जो हमारा डाइप्लॉइड सेल बना है, क्या बना है, ऊ स्पोर बना है, वो अब क्या हो गया है, 2N हो गया है, ठीक है। तो अब ये कैसा है, 2N हो गया, तो मतलब कि, और मैंने बताया एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जब मेल एंड फीमेल से हैप्लॉइड सेल एन और एन आए, ठीक है, एन और एन आए और ये दोनों मिल करके 2N बना दें, तो इस वाले कंडीशन से को हम, इस प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं कि दे आर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, दे आर स्पोरोफाइट। तो क्या यहाँ पर सेम नहीं हुआ, एंथ्रेजॉइड आया मेल से एन, एग आया एन, दोनों मिले 2N बना, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो प्लांट बॉडी, अब इस जाइगोट से जो हमारी प्लांट बॉडी बनेगी वो स्पोरोफाइट कहलाएगी, ठीक है। तो वही ये बोला है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइकोपोडियम, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थोड़ी लंबी ये वीडियो बन गई है, बट मैं क्या करूँ, एक ही वीडियो में मुझे सब पढ़ाना था,
वरना फिर आप हर जगह 50 वीडियो ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में भी बताना। कोई और टॉपिक अगर आपको फंसता है या फिर आप चाहते हो कि मैं पढ़ा दूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, और वीडियो देखते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, बाय बाय।